नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत राव। आप देख रहे हैं GBN24। खबर है राजस्थान की बुटोली की, जहां पर काली माता और लक्ष्मी माता की मूर्ति को किसी अज्ञात ने खंडित कर दिया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हिंदू वाहिनी संगठन के महासचिव निर्मल सूरज जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सूरज जी, हमें बताइए कि आरोप है कि ये मूर्ति का खंडन किसी मुस्लिम के द्वारा किया गया है और ये एक सोची समझी साजिश है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बुटोली गांव रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जी। और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दोनों मूर्तियां एक ही रात को खंडित की गई जी। एक काली माता मंदिर की, काली माता देवी की और एक लक्ष्मी देवी की जी। और जब पुजारी जी ने पूजा वूजा करने के लिए जब उनको देखा तो मूर्तियों के दोनों हाथ, काली देवी का भी हाथ, एक का बाया एक का दाया जी, वो क्षतिग्रस्त मिला। और क्षतिग्रस्त भी वो टूटी हुई बाजू वहाँ पर उपलब्ध नहीं है जी, उसको भी खंडित करता अपने साथ ले। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम हमारे देवी देवताओं को हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं रख पा रहे। ये बड़ा सोचनीय विषय है जी। इस देश में हम विभिन्न प्रदाय के या विभिन्न समाज के लोगों के धर्मों की हम सब सम्मान करते हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान में हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान, ये एक बड़ा निंदनीय अपराध है। और ये एक हिंदुओं को आकर्षित करना या क्षेत्र में अशांति पैदा करने के कुछ लोग इस तरह का उपद्रव करते हैं जी। जी सूरज जी, हम ये भी बताइए कि क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो होनी चाहिए थी त्वरित कार्रवाई, वो सामने निकल कर नहीं आ रही जी। और जब अभी जो मीटिंग की गई थी, आपको उसका प्रेस नोट भी भेजा है जी, तो मैंने जो अलग अलग लोगों से संपर्क स्थापित कर जानकारी चाही जी, तो उसमें से हमने संबंधित गांव बुटोली वासियों पर एक बात समझाई कि आप अपने स्तर पर कुछ खोजबीन करिए, चाहे वक्त लग जाए जी। तो एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी नजर में चढ़ा, जिसका नाम था मिस्टर सक्का, पुत्र संपत्त सक्का, उम्र 55 वर्ष, निवासी बुटोली जी। गांव वालों ने निर्णय किया कि हमें इस पर शक है और मेजर नामा तैयार कर उसका नाम जद मेजर नामा लेकर और लक्ष्मीगढ़ पुलिस प्रशासन को दिया जी। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने निकल के नहीं आई, तो हम लोगों ने उसे आगामी 2 जनवरी 2023 को ग्राम बुटोली में एक बड़ी जनसभा रखने का आयोजन किया है। सूरज जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? ये हमारे लिए असहनीय बात है। हम जब सब धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, इस देश में सबको अपने अपने धर्म मानने का अधिकार संविधान ने दिया है जी। जब हिंदू किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, तो हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ अपमान क्यों? और ऐसा यहाँ ही नहीं हो रहा जी। अभी मैंने एक जयपुर की रिपोर्ट आई है, भैरू बाबा की मूर्ति खंडित करके ले गए जी। और ऐसा ही केस, अभी ये नहीं, ऐसे 2-4 केस और भी हुए थे जी, तो मूर्तियों को चोरी करके ले गए या खंडित कर दी गई जी। ये एक ट्रेड चला हुआ है हिंदुओं को मतलब आक्रोशित करने का, देश में अशांति भंग करने का जी। तो आखिर ये कब तक चलेगा जी? पुलिस प्रशासन मूक बधिर होकर देखता है। पुलिस चाहे तो 24 घंटे में बड़े से बड़े कातिल को भी गिरफ्तार कर लेती है जी। ये तो छोटे मोटे जो क्षेत्र में अशांति पैदा करना चाहते हैं जी। धन्यवाद सूरज जी हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN24।